प्रभास की मूवी कल्कि 2898 ने 6 दिन में लगभग 700 करोड़ की कमाई की है। अब ये नंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिस वजह से ये सुनने में काफी अनबिलीवेबल लगते हैं, जिस वजह से बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि इस मूवी का जो कलेक्शन बताया जा रहा है ना वो सारा फेक है, और रियल में जो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है वो हमें बताया नहीं जा रहा है। तो आखिर क्या है इस मूवी के कलेक्शन के पीछे का सच्चाई, और क्या हम सभी ऑडियंस का काटा जा रहा है इस मूवी के नंबर्स बताकर? तो देखो, अगर आजकल कोई भी मूवी रिलीज होती है तो उसके मार्केटिंग के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, और यही चीज हुआ है प्रभास के कल्कि मूवी के साथ, जहाँ पर इस मूवी का प्रमोशन एकदम दबा कर किया गया है। अब चाहे वो एक शहर से जाकर दूसरे शहर में इवेंट करना या फिर अपने बुज्जी कार को नॉर्मल सड़कों पे दौड़ाना, इस मूवी के मार्केटिंग टीम ने इस मूवी के मार्केटिंग करने के लिए काफी मेहनत किया है, जिस वजह से ये मूवी का जो हाइप है ना ये रिलीज से पहले ही काफी बढ़ गया था। और क्योंकि इस मूवी से प्रभास जुड़े हैं तो अगर वो किसी मूवी से जुड़ते हैं तो उस मूवी का ऑलरेडी हाइप बढ़ जाता है। इसके अलावा इस मूवी का प्रमोशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ है, बल्कि इस मूवी का जो प्रमोशन है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो इस मूवी के टीजर को कॉमिक कॉन में भी दिखाया गया था, जहाँ पर सिर्फ हॉलीवुड की मूवी ही रिलीज होती है या फिर अनाउंसमेंट होती है, तो जिस वजह से हॉलीवुड के ऑडियंस ने भी इस मूवी को देखा था, और वो लोग भी ये बात जानते थे कि इंडिया से कोई मूवी रिलीज हो रही है जिसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिस्टोपियन फ्यूचर वाला है, जिस वजह से वो लोग भी इस मूवी में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो यही रीजन है कि इस मूवी का जो कलेक्शन है ना वो इतना अच्छा आ रहा है। हम ये बात को मानता हूं कि हो सकता है कि इसके कलेक्शन में कुछ झोल हो, लेकिन जितना इस मूवी का हाइप था ना उस हिसाब से लगता है कि हाँ इतना कलेक्शन हो सकता है। लेकिन देखो, अगर इस मूवी का कलेक्शन में झोल होगा भी ना तो ये भी एक मार्केटिंग टेक्टिक्स है, जिसमें मूवी के कलेक्शन को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है ना कि पब्लिक को ये लगता है कि भाई ये मूवी काफी अच्छी है, जिस वजह से इस मूवी ने इतना पैसा कमाया है, और उसके बदले में अगर उनका प्लान नहीं भी होता ना इस मूवी को देखने का तो वो इस मूवी को देखने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि अब ये चीज हमारे इंडियन दिमाग में फिट है कि जो चीज अच्छा होगा ना उसको लोग ज्यादा देखने के लिए जाएंगे। इसीलिए आजकल मूवी के मेकर्स के ऊपर एक इल्जाम लगता है जो कि है कॉर्पोरेट बुकिंग का, जिसमें फिल्म के मेकर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सिनेमा हॉल को खुद से ही बुक कर लेते हैं ताकि ऑडियंस को यह लगे कि ये मूवी तो एकदम हाउसफुल है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको सिनेमाघरों का ग्राउंड रियलिटी जानना है तो आपको सिनेमाघर जाना होगा, और आप जब वहां जाओगे ना तो वहां देखोगे भाई कोई भी बंदा वहां इस मूवी को देखने के लिए नहीं आया है, या फिर कुछ चुनिंदा ही लोग आए हुए हैं उस मूवी को देखने के लिए और पूरा थिएटर हॉल एकदम खाली है। अब इस चीज का एक्सपीरियंस मैंने कल्कि मूवी के साथ तो नहीं किया है, लेकिन हाँ प्रभास की ही मूवी सलार के साथ मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पर ऑनलाइन देखने पर सलार का पूरा शो एकदम हाउसफुल दिखा रहा था, लेकिन जब हम लोग थिएटर पहुंचे तो वहाँ का नजारा ही कुछ अलग था। मतलब लिटरली वहाँ पे कई सारे ऐसे सीट थे जो की एकदम खाली थे, और तब मुझे समझ में आया ये कॉर्पोरेट बुकिंग क्या होता है और इसको एक टूल बनाकर कैसे यूज किया जाता है मूवी का प्रमोशन के लिए। लेकिन सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कल्कि मूवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि देखो ये मूवी जो है ना ये सच में काफी अच्छी मूवी है, और इसकी जो स्टोरी है ना वो भी काफी अच्छी है। मतलब आप इसको इस तरह से मान सकते हो ना कि ये बाहुबली टाइप की मूवी है। मतलब मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बाहुबली मूवी से अच्छी है, लेकिन हाँ मैं इस मूवी को ये कह सकता हूँ कि ये बाहुबली के बाद दूसरी सबसे अच्छी मूवी है प्रभास की, जिस वजह से जितने लोगों ने भी इस मूवी को देखा है ना वो तारीफ ही कर रहे हैं इस मूवी की, और यही रीजन है कि इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ काफी तेजी से फैल रहा है और कई सारे लोग इस मूवी को देखने के लिए अपने पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा मूवी में कई सारे ऐसे चीजें दिखाई गई हैं जिसको सॉल्व नहीं किया गया है मूवी में, या फिर मूवी में बताया नहीं गया है कि वो आखिर कैसे हुआ है, जिस वजह से इस मूवी के ऊपर कई सारी थ्योरीज बन रही हैं, अब उन थ्योरीज की वजह से ही इस मूवी का प्रमोशन हो रहा है। मतलब अगर आप इंटरनेट पर रिव्यू कम्युनिटी को फॉलो करते हो तो अभी आधे से ज्यादा लोग इसी मूवी के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जिससे इस मूवी का प्रमोशन ही हो रहा है ना, और लोगों को इस मूवी के बारे में पता चल रहा है कि आखिर ये मूवी कैसी है या फिर मूवी में क्या दिखाया गया है, जिससे जिन लोगों को पता भी नहीं है कि ये मूवी आई है या फिर ये मूवी किस टॉपिक पर है वो लोग भी इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई चीज इंटरनेट ट्रेंड का पार्ट बन जाती है तो फिर सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, और यही रीजन है कि लोग इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं, जिस वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन है ना वो इतना दमदार हो रहा है, जिसमें इस मूवी ने 6 दिन में लगभग 700 करोड़ की कमाई कर ली है, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। लेकिन अभी भी इस मूवी के मेकर्स के पूरे पैसे वसूल नहीं हुए हैं, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था ना वही 700 करोड़ था, और अभी इस मूवी ने सिर्फ उतना ही कमाया है, जिसके बाद आज के बाद जो भी ये मूवी कमाएगी ना वो इस मूवी का प्रॉफिट होगा, और उस पैसे को रखेंगे डायरेक्टर या फिर एक्टर। तो भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि ये मूवी का जो कलेक्शन है वो फेक है। हाँ, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना वो दिखने और सुनने में काफी ज्यादा फेक लगते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कल्कि मूवी के साथ नहीं लग रहा है कि इस मूवी का कुछ भी फेक है। बाकी रियलिटी तो हम लोग जानते नहीं है कि आखिर क्या है, वो तो तभी पता चलेगा जब इस मूवी के टैक्स भरने के लिए जाएंगे लोग, क्योंकि अगर आप ज्यादा नंबर दिखाओगे तो फिर आपको ज्यादा नंबर का टैक्स भी भरना पड़ता है, तो इसीलिए बड़े नंबर कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मैं होप करता हूँ कि इस मूवी के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। बाकी इस मूवी के पार्ट 2 के ऊपर मैंने एक थ्योरी वीडियो बनाया है, तो अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप उस पर टैप करके वीडियो को देख सकते हो। बाकी आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।